गुड मॉर्निंग बच्चों, और कैसे हैं आप? आशा इन्हें विश्वास है आप अच्छे होंगे। और ये मैं एक बार फिर से आपके सामने ये एडिटोरियल रीडिंग सेशन नंबर 8 लेकर के हाजिर हूँ। और ये 5 मार्च का ही है, यानी आज ही का एडिटोरियल है, जिसमें आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा एडिटोरियल है जो आपको पढ़ना है, और ये सारी वो पैसेज हैं। और ये देख रहे हैं, जैसा कि रेगुलरली हर एक एडिटोरियल में मैंने दिया है आपको, ये जो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस हैं आपके हैं, यहाँ देख रहे होंगे कॉमन एरर्स, यानी कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आपके हैं जो आपकी बार 10 हैं आपके पास। और ये वो सारे वर्ड्स हैं जो आप तैयार करें धीरे धीरे। पहला वर्ड है आपका कन्फर्म्ड। आप जानते हैं जो चीज़ कन्फर्म्ड हो जाती, वो चीज़ मान्य या दृढ़ हो जाती। जब आप किसी चीज़ को कन्फर्म कर लेते हैं, इट मीन्स आप क्लियर कर लेते हैं, उस चीज़ पर आप दृढ़ हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ पैंडेमिक होती है तो वह एक महामारी है, एक ऐसी महामारी जो सर्वव्यापी है, जो बहुत बड़े क्षेत्र में हर जगह व्याप्त है, वो पैंडेमिक है आपका। और अगर किसी चीज़ को आप स्ट्रेन कर रहे हैं, मीन्स उस पर दबाव दे रहे हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं। और चौथा वर्ड है आपका डीम है आपका, डीम मीन्स समझना, मानना, किसी चीज़ पर विचार करना, सोचना, डीम होता है। ससेप्टिबल है आपका, कोई ऐसी चीज़ जो प्रभाव पड़ने योग्य हो, ग्रहणशील हो। जैसे आप कोई बीमारी है और वो बीमारी आपको हो सकती है, तो आप ससेप्टिबल हैं उस बीमारी के लिए। ग्रांटेड यानी कोई चीज़ जो स्वीकृत हो, मतलब स्वीकार कर लिया गया हो, ग्रांट कर लिया गया हो। और नेक्स्ट वर्ड्स हैं आपके पास एटिकेट, मीन्स कोई शिष्टाचार, तमीज़, तहजीब, या उर्दू में शौर कहते हैं आप इसे, नहीं लोग कहते हैं उसे शौर नहीं है सही तरीके से रहने का, तो ये एटिकेट होता है हमारा। लेट अप मीन्स किसी चीज़ का खात्मा, उसकी समाप्ति होती है। कोई चीज़ इंटीग्रेटेड है, मीन्स वो संगठित है, यानी अलग अलग पार्ट्स हैं लेकिन वो मिल के काम कर रहे हैं, वो इंटीग्रेटेड हैं। और अगर कोई चीज़ क्रोनिक है तो वो बहुत पुरानी है, स्पेशली अगर हम मेडिकल के सेंस में बोलें तो कोई ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय से होती है, वो क्रोनिक होती है। तो ये वर्ड्स हो गए हमारे पास, क्रोनिक है, इंटीग्रेटेड है, लेट अप है, एटिकेट है, ग्रांटेड है, ससेप्टिबल है, डीम है, स्ट्रेन है, पैंडेमिक है, और कन्फर्म। ठीक है, और ये वो क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूँगा आप इनके स्क्रीन शॉट्स ले लें और इन्हें आप सॉल्व करने की अपने से पहले कोशिश कर लें। फिर जब मैं एडिटोरियल पढ़ा लूँगा तो फिर इसके बाद मैं इनके सॉल्यूशंस आपको दूंगा, मैं समझा दूंगा कि कहाँ पे कौन सी एरर हो सकती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो सामने आपको दिख रहा है, और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो फिर स्क्रीनशॉट्स लेके अपनी कोशिश करें, फिर जब मैं आपको समझाऊंगा तो वो चीज़ आपको और बेहतर आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब एडिटोरियल की तरफ, किस तरीके से हमको समझना है और क्या क्या फायदे हमें मिलने हैं उसके। सबसे पहली चीज जो देख रहे होंगे हेडिंग के रूप में आप, यहाँ पे अलार्मिंग स्प्रेड। अलार्मिंग मीन्स खतरनाक, स्प्रेड मीन्स फैलाव, विस्तार किसी चीज का। और ये है किस चीज का विस्तार हो रहा है अलार्मिंग, ऑन H1N1 केसेस। यानी आप समझ रहे होंगे स्वाइन फ्लू को हम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा जो होते हैं, अभी हाल फिलहाल जो इस तरीके के मामले आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उन्हीं पर यानी H1N1 पर एडिटोरियल है पूरा आपका ही, जिसकी हेडिंग है अलार्मिंग स्प्रेड। अलार्मिंग जो खतरनाक हो, जो हमें चौकन्ना करे, जो कहीं कहीं डराए हमको, और स्प्रेड में जानते होंगे फैलाव, किसी चीज़ का विस्तार। नेक्स्ट है आपका विद H1N1 नाउ, यानी विद H1N1 नाउ अ सीजनल फ्लू स्ट्रेन, यानी इस समय क्या हो रहा है, एक सीजनल यानी मौसमी फ्लू स्ट्रेन, यानी जो मौसमी बुखार हो रहा है, इसका जो दबाव पड़ रहा है केयर वर्कर्स, तो जो केयर वर्कर्स हैं, जो इन चीजों पर ध्यान रखते हैं, लोगों को केयर करते हैं, वो जो केयर वर्कर्स हैं एंड अदर्स, और जो दूसरे लोग हैं एट रिस्क, जिन पर या जिनको इस फ्लू का खतरा हो सकता है, मस्ट बी वैक्सीनेटेड। ये पैसिव से देख रहे होंगे, मस्ट बी वैक्सीनेटेड, वैक्सीन समझते होंगे, टीका को कहते हैं वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेट से टीकाकरण करना, टीका लगाना, यानी मस्ट बी वैक्सीनेटेड, यानी निश्चित ही उनका टीकाकरण होना चाहिए, यानी उन्हें टीके लगाए जाने चाहिए। फिर से देख लें,
तो अलार्मिंग स्प्रेड, यानी एक खतरनाक रूप से चीजें बढ़ रही हैं। क्या चीजें बढ़ रही हैं? ऑन H1N1 केस, यानी H1N1 जो कि स्वाइन फ्लू की तरह है, उसके जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए एक अलार्मिंग स्प्रेड है, यानी हमें कहीं कहीं खतरा उत्पन्न करने वाला फैलाव की तरह है। फिर है विद H1N1 नाउ अ सीजनल फ्लू स्ट्रेन, यानी जो H1N1 है, चूंकि अब ये एक सीजनल फ्लू स्ट्रेन हो गया, मींस मौसमी कहीं कहीं बुखार की तरह हमारे ऊपर अपना दबाव बना रहा है, इसलिए केयर वर्कर्स एंड अदर्स, जो केयर वर्कर्स हैं और जो लोग हैं, अन्य लोग हैं एट रिस्क, जिन पर इस बुखार का खतरा हो सकता है, मस्ट बी वैक्सीनेटेड, निश्चित ही उनका क्या होना चाहिए, उनका टीकाकरण होना चाहिए, यानी उन्हें इसके टीके लगाए जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 55 डेज, स्पैन समझते होंगे, स्पैन मीन्स किसी चीज की अवधि होती है, जो हमारा समय होता है, अवधि होती है, वो स्पैन कहलाता है। तो इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 55 डेज, यानी 55 दिनों के इस छोटी सी अवधि में, यानी 55 दिनों की इस छोटी सी अवधि में, और ये आपको इन ब्रैकेट्स दिया गया है कि कौन से कब तक, यानी 24 फरवरी तक, यानी 24 फरवरी तक 55 दिनों के इस छोटी सी अवधि में, दिस ईयर, इसी साल, द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा ए, यानी जो H1N1 है ना, एक्चुअली इन्फ्लुएंजा ए वायरस है आपका, ठीक है, तो द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अर्थात H1N1, ये जो इन्फ्लुएंजा ए है केसेस, द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा ए केसेस, यानी इन्फ्लुएंजा ए केसेस का जो नंबर है, जो संख्या है, एंड और डेथ्स, और जो उससे हुई मौतें हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह है, रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, यानी जो भारत से रिपोर्ट की गई, यानी भारत में जो रिपोर्ट की गई है वो केसेस या वो मौतें, किस चीज के केसेस, इन्फ्लुएंजा ए अर्थात H1N1 के जो केसेस और डेथ्स हैं, उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, रीच्ड, वो पहुंच गई एन अलार्मिंग 14,803, यानी खतरनाक स्तर पे पहुंच गई, अर्थात 14,803 मामले आए, केसेस आए, डेथ्स की रिपोर्ट्स आई, एंड 448 रिस्पेक्टिवली, यानी समझिए जो केसेस थे इनके वो 14,803 आए, और जो मौतें थी, डेथ्स थी, वो कितनी हुई, 448। ये जो रिस्पेक्टिवली है ना, इसका अर्थ होता है क्रमशः, यानी केसेस 14,803 आए और उनमें मौतों की संख्या जो थी वो 448 थी क्रमशः। The highest number, समझते होंगे, highest यहां superlative degree है, तो फिर इसके पहले क्या लगाया गया, the लगाया गया। The highest numbers were from Rajasthan, यानी इन केसेस में जो सबसे बड़ी संख्या थी from Rajasthan, वो कहां से थी, राजस्थान से थे। कितने केसेस थे वहां पे, 3,964, यानी 3,964 केसेस केवल राजस्थान से आए। दिल्ली, दिल्ली से आए 2,738, यानी 2,738 केसेस आए। एंड गुजरात, और कहां से आए, गुजरात से आए 2,726, यानी 2,726, यानी जो सबसे बड़ी संख्या में केसेस आए, सबसे पहले उनमें राजस्थान है जहां पे 3,964 केसेस आए, फिर दिल्ली है जहां पे 2,738 केसेस आए, और फिर गुजरात है जहां पे 2,726 केसेस आए। आप समझ रहे होंगे, राजस्थान में इस समय कांग्रेस की सरकार है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं, और गुजरात में जहां पे पहले कभी मोदी जी हुआ करते थे, इन क्षेत्रों में H1N1 यानी जो इन्फ्लुएंजा ए के केसेस हैं वो सबसे अधिक आए। उत्तर प्रदेश वाज नेक्स्ट, और चौथे नंबर पे कौन था, अगले क्रम पे कौन था, उत्तर प्रदेश था। कितने केसेस आए यहां से, 905। सर बहुत सुधार है, आप सोच सकते हैं पिछले साल क्या हुआ, तो उसके पिछले साल क्या हुआ था, बट अब की बार जो केसेस आए वो केवल 905 केसेस आए। वाइल एक तरफ राजस्थान एंड गुजरात हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ
डेथ्स आप देख रहे होंगे, हाईएस्ट फिर से है, तो इसके पहले क्या लगाया गया, द लगाया गया। वाई एक तरफ राजस्थान एंड गुजरात हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, यानी राजस्थान और गुजरात में केवल केसेज ही नहीं आए ज्यादा, सबसे ज्यादा, बल्कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स, यहां सबसे अधिक मौतें हुई राजस्थान और गुजरात में एट 137, यानी 137 राजस्थान में हुई एंड 88 गुजरात में हुई रिस्पेक्टिवली। समझ सकते होंगे अब क्रमशः, यानी क्रमशः राजस्थान में 137 मौतें हुई और गुजरात में 88 मौतें हुई। तो दूसरी तरफ दिल्ली रिकॉर्डेड 7 डेथ्स, बहुत कम है सोच के देखें, यानी दिल्ली में 7 मौतें हुई डिस्पाइट, इसके बावजूद, किसके बावजूद, रिकॉर्डिंग अराउंड द सेम नंबर ऑफ केसेस एज गुजरात। ये देखिए फर्क देखेगा आप, यानी जितने केसेस आए गुजरात में उतने ही केसेस कहां आए थे, दिल्ली में भी आए थे, लेकिन गुजरात में कितनी मौतें हुई, 88 हुई, लेकिन दिल्ली में कितनी मौतें हुई, 7 मौतें हुई, बहुत फर्क है ना। चलिए, देयर अपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी नो लेटअप, ध्यान से देखेंगे, टू बी नो लेटअप, ये इन्फिनिटिव है ना, इसलिए देयर के साथ क्या यूज किया गया है, अपियर्स, सिंगुलर यूज किया गया, क्योंकि आप जानते होंगे देयर का जो प्रयोग होता है उससे जुड़े हुए नाउन यानी सब्जेक्ट के अनुसार होता है, चूंकि टू बी नो लेटअप एक इन्फिनेटिव है, कोई भी इन्फिनेटिव या जीरंड होता है तो वो हमेशा सिंगुलर लेता है, इसलिए देयर के साथ यहां क्या है, अपियर। जैसे समझते होंगे अगर कोई कहे देयर इज अ बॉय, सही है ना, लेकिन कोई कहे देयर आर बॉयज, तो ये बॉय और बॉयज पे डिपेंड करता है कि देयर का क्या यूज है। तो ये जो टू बी नो लेटअप है ये इन्फिनेटिव है, इसलिए यहां देयर अपियर्स का प्रयोग किया गया, ठीक है। कहे देयर अपियर्स टू बी नो लेटअप, लेटअप मीन्स होता है किसी चीज का खात्मा, उसकी समाप्ति, उसका अंत, उसका सीज, यानी देयर अपियर्स टू बी नो लेटअप, देयर अपियर्स ऐसा प्रतीत होता है टू बी नो लेटअप कि कोई अंत नहीं है, क्यों, विद द नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि जो केसेस के नंबर आ रहे हैं एंड डेथ्स और जो मौतें हो रही हैं स्टेडली राइजिंग, स्टेडली मीन्स निरंतर लगातार, राइजिंग मीन्स आगे बढ़ना, बढ़ना ऊपर की तरफ आना, यानी विद द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स स्टेडली राइजिंग, चूंकि जो केसेस और डेथ्स के नंबर हैं, ये जो नंबर हैं ये निरंतर क्या हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसलिए लेखक कह रहे हैं देयर अपीयर्स टू बी नो लेटअप, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन केसेस का, इन मौतों का कोई नो लेटअप, कोई अंत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग, व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग, जो चीज ज्यादा परेशान करने वाली है, और देखिए पूरी क्लास है ना व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग, तो फिर वर्ब क्या ली गई, इज ली गई, कोई भी क्लास अगर सब्जेक्ट के रूप में आप यूज कर रहे हैं तो उसका जो वर्ब रहेगा वो आपका सिंगुलर रहेगा। कह रहे व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग, जो चीज ज्यादा परेशान करने वाली है इज, वो ये है दैट की द नंबर ऑफ केसेस, यानी जो केसेस के नंबर हैं उनकी जो संख्या है, रिपोर्टेड टिल फरवरी 24, यानी 24 फरवरी तक जिन केसेस को रिपोर्ट किया गया है वो द नंबर इज नियरली द सेम, वो लगभग वही नंबर है एज जो दैट रिकॉर्डेड इन द होल ऑफ 2018, जो रिकॉर्ड कब था, 2018 में था, यानी 2018 में जो रिकॉर्ड किया गया वही नंबर 24 फरवरी तक अब की साल भी है, और यही चीज लेकर कह रहे हैं व्हाट इज मोर डिस्टर्बिंग, यही चीज आपको, हमको ज्यादा परेशान कर रही है कि 2018 में जो जितने मामले आए थे, केसेस आए थे, उतने ही मामले 2019 में भी आए हुए, यानी उनमें कोई कमी नहीं आई, कोई भी अंतर नहीं आया। एक और चीज आप देखेंगे यहां द नंबर है ना सब्जेक्ट आपका, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे अगर द नंबर ऑफ केसेस है तो नाउन तो आपका प्लूरल रहेगा द नंबर के साथ, लेकिन जो वर्ब हो गई आपकी, ये देखें यहां पे, ये क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। अगर यहीं पे अ नंबर होता तो फिर यहां पे जो नाउन होता तो प्लूरल होता ही, वर्ब भी आपकी प्लूरल हो जाते, तो ये याद कर लें, बहुत बार एग्जाम में दिया जाएगा, द नंबर ऑफ में वर्ब सिंगुलर होगी और अ नंबर ऑफ में वर्ब प्लूरल होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे,
At about 450, the number of deaths till February 24 is nearly half the total reported in 2018. फिर से देखें यहां से करें, what is most disturbing, जो चीज हमें ज्यादा परेशान कर रही है is that वो ये है कि the number of cases reported till February 24, यानी जो रिपोर्ट के 24 फरवरी तक जो केसेस रिपोर्ट किए गए उनकी जो संख्या, उनका जो नंबर है इज नियरली द सेम, वो संख्या वही है एज, आप देख रहे होंगे द सेम का प्रयोग किया गया है, तो एग्जाम में आपके सेम दे दिया जाता है, द सेम होता है और सेम के साथ जानते होंगे एज या दैट आता है, ठीक है। तो कह रहे कि जो उनकी संख्या है इज नियरली द सेम, वो संख्या वही है एज जो That recorded in the whole of 2018, जो रिकॉर्ड की गई थी पूरे 2018 में, और 2018 में कितने केसेस आए थे, 14,992, यानी अब की साल भी 24 फरवरी तक इतनी ही संख्या के आसपास आई, लेकिन एट अबाउट 450, यानी लगभग 450 पर द नंबर ऑफ डेथ्स, जो मरने वालों की संख्या है टिल फरवरी 24, 24 फरवरी तक इस, यहां भी देखिए द नंबर के साथ इस है, इज नियरली हाफ द टोटल, यानी वो उस टोटल की हाफ है, आधी, यानी 450 जो मरने वाले लोग हैं वो संख्या उनकी हाफ है द टोटल रिपोर्टेड इन 2018, यानी जो 2018 में 1103 मौतें हुई थी उसकी अपेक्षा 2019 में मरने वालों की संख्या नियर अबाउट हाफ है, कितनी है, आधा, यानी यहां पे आप देख रहे होंगे सुधार हुआ है कि मरने वालों की संख्या कम हुई है। द एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स दिस ईयर, यानी इस साल जो एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स, यानी जो इन प्रकार के केसेस की संख्या है एंड डेथ्स, और जो मरने वालों की संख्या इस साल है, इज, यहां भी देखे द एक्चुअल नंबर है तो इस लिया गया, जबकि एक बच्चा जो है डेस वगैरह देख करके सोचेगा प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो द एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स दिस ईयर, इस साल जो मरने वालों की और इस प्रकार के केसेस की जो वास्तविक संख्या है, इज लाइकली टू बी, लाइकली टू बी समझते होंगे संभावना के अर्थ में किए जाते हैं, इज लाइकली टू बी हायर, शायद वो ज्यादा हो एज, क्योंकि वेस्ट बंगाल has not reported the data, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने अभी अपने आंकड़े नहीं दिए हैं to the integrated disease surveillance program, यानी जो IDSP है integrated disease surveillance program, इसको अभी वेस्ट बंगाल ने अपना डेटा नहीं दिया है, मीन्स अपने आंकड़े नहीं दिए हैं। दो चीजें आप देखिएगा, पहला जो आपके एग्जाम में काम आएगा, पहला यहां पे है कि इज लाइकली टू बी हायर, इज लाइकली टू बी हायर, आपको लगेगा सर यहाँ हाई होना चाहिए, हायर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हम कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए। दूसरी से आप देखें ये द डेटा है ना, द डेटा, तो फिर द डेटा हमेशा क्या होगा, प्लूरल ही होगा, यहां देखें डेटा आर, अभी हम आ रहे हैं इस पर, देखें आगे करें, मोर ओवर, मोर ओवर मीन्स इसके अलावा, इसके अतिरिक्त द IDSP डेटा, जो आपका इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलांस प्रोग्राम का डेटा है, जो उसके आंकड़े हैं आर है ना, डेटा के साथ देखिए आर बेस्ड, वो आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं वनली ऑन लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस एंड डेथ्स, यानी जो IDSP के डेटा होते हैं, आंकड़े होते हैं, वो केवल लेबोरेटरी कंफर्म्ड केसेस एंड डेथ्स होते हैं, यानी लेबोरेटरी के द्वारा जो स्वीकृत केसेस और डेथ्स होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, यानी लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो लैबोरेटरी बता रहे हैं कि हाँ इतनी मौतें हुई, इतने केसेस आए, वास्तव में संख्या क्या हो सकती और अधिक हो सकती है। करें द H1N1 वायरस, ये जो H1N1 वायरस है विच, देखें यहां पे विच किसके लिए है, वायरस के लिए, एग्जाम में आपको यहां पे हु लगा के गलत दे सकते हैं, ठीक है। तो द H1N1 वायरस विच कॉज्ड अ पैंडेमिक इन 2009, यानी ये जो H1N1 वायरस है जो 2009 में एक महामारी का कारण बना था, वो H1N1 वायरस हैज सिंस बिकम
सीजनल फ्लू स्ट्रेन ग्लोबली, यानी पूरे विश्व भर में यह एक सीजनल फ्लू स्ट्रेन बन गया, यानी कहेंगे मौसमी बुखार बन गया है। कब से? 2009 से, यही ना। आप एक ग्रामर का रूल देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे आप कि जो H1N1 वाली क्लॉज है आपकी, विच कॉज्ड अ पैंडेमिक इन 2009, ये देखिए विच कॉज्ड पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि यहां हैज सिंस बिकम अ सीजनल फ्लू स्ट्रेन ग्लोबली, क्योंकि ये जो सिंस वाली क्लॉज हैज बिकम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुई, ठीक है। और फिर से देख लें तो द H1N1 वायरस, ये जो H1N1 वायरस है आपका, एक मिनट बस, आगे चलिए, ये जो H1N1 वायरस है विच कॉज्ड अ पैंडेमिक इन 2009, यानी H1N1 वायरस जो 2009 में महामारी का रूप ले चुका था, उसका कारण बन गया था, वो H1N1 वायरस हैज सिंस बिकम अ सीजनल फ्लू स्ट्रेन ग्लोबली, ये पूरे विश्व भर में क्या बन गया है, एक सीजनल फ्लू स्ट्रेन बन गया, मीन्स मौसमी बुखार की तरह बन गया है, फ्लू बन गया है, इंक्लूडिंग इन इंडिया, यानी भारत भी उसमें शामिल है, एंड और कॉजेस फ्यूअर डेथ्स, और इसकी वजह से मौतें जो होती हैं वो कम होती हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, इन 2009 में द नंबर ऑफ लेबोरेटरी कंफर्म्ड डेथ्स, यानी लेबोरेटरी के द्वारा कंफर्म जो डेथ थी उनकी जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, कॉज्ड बाय द पैंडेमिक स्ट्रेन, वो डेथ्स जो पैंडेमिक स्ट्रेन यानी उस महामारी के कारण हुई थी, उनकी संख्या वाज एट लीस्ट 18,500, वो संख्या 18,500 थी, ये पूरे मिलाकर के हैं, यानी 18,500 वो संख्या थी जो लेबोरेटरी कंफर्म्ड डेथ्स थी, जो पैंडेमिक जिन्होंने फैलाया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बट लेकिन, और 2012 पेपर इन लैंसेट इंफेक्शस डिजीजेस, यानी ये 2012 में एक पेपर में जो कि लैंसेट इंफेक्शस डिजीजेस के नाम से मेंशन, उसमें उल्लेख किया गया 2,84,000 डेथ्स कि कितनी मौतें हुई थी, 2,84,000 डेथ्स हुई थी, जबकि आपने पीछे पढ़ा कि लेबोरेटरी कंफर्म डेथ्स कितनी थी, वो 18,500 थी। तो 2012 में एक पेपर में जिसका नाम लैंसेट इंफेक्शस डिजीज के नाम से आर्टिकल में लिखा गया कि 2,84,000 मौतें हुई थी, विच वाज 15 टाइम्स मोर, जो 15 गुना ज्यादा था देन द नंबर, उस संख्या की अपेक्षा ऑफ लेबोरेटरी कंफर्म्ड डेथ्स, जो संख्या किसने बताई थी, लेबोरेटरी के द्वारा कंफर्म की गई थी, उन मौतों से 15 गुना ज्यादा मौतें हुई थी जो लैंसेट इंफेक्शस डिजीजेस में बताई गई थी। एक रूल यहां देखें आप, जो रूल यहां टूट रहा है एक्चुअली, अगर आप जानते हो, रूल ये है कि जब हम टाइम्स का प्रयोग गुने के सेंस में करते हैं तो उसके बाद जो हमारी क्लॉज होती है वो पॉजिटिव डिग्री में आती, न कि कंपेरेटिव डिग्री में आती, तो शुद्ध यहां होना चाहिए था विच वॉज 15 टाइम्स एज मच एज द नंबर ऑफ लेबोरेटरी कंफर्म्ड डेथ्स। बड़ी मॉडर्न इंग्लिश है, यहां सब संभव है। चलिए, ऑन फेब्रुअरी 6 यानी 6 फरवरी को द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री यानी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, हैड रिव्यूड, उसने ये रिव्यू किया था, ये अवलोकन किया था, आकलन किया था द प्रिपेयरनेस कि हमारी तैयारी कितनी है, एंड और एक्शन टेकन बाई स्टेट्स, और उन एक्शन यानी उन कार्यों की समीक्षा की थी उसने, टेकन बाई स्टेट्स जो प्रिपेयरनेस और जो एक्शन राज्यों के द्वारा लिए गए थे टू डील विद, ध्यान से देखिएगा, टू डील विद इन्फ्लुएंजा केसेस, किनसे निपटने के लिए, इन्फ्लुएंजा के केसेस से निपटने के लिए, व्हेन जब द नंबर ऑफ H1N1 केसेस एंड डेथ्स, जब H1N1 केसेस H1N1
कि केसेस और डेस्क का जो नंबर है स्टूड एट 6701, जब वो संख्या 6701 हो गई एंड 226, यानी जो केसेस थे वो 6701 आए और जो मौतें थी वो 226 हुई रिस्पेक्टिवली क्रमशः। डिस्पाइट, एग्जाम में जानते हैं डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे दिया जाता है, तो डिस्पाइट द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स, यानी जो केसेस और डेथ्स का नंबर है मोर देन डबलिंग, जो कि डबल से भी ज्यादा है इन लेस देन 20 डेज, 20 दिनों से कम के समय में, यानी 20 दिनों से कम के समय में डबलिंग, दोगुनी हो गई क्या चीज, वो केसेस और वो डेथ्स का नंबर, उनकी संख्या सिंस द रिव्यू, यानी उस समीक्षा के बाद, यानी समीक्षा के बाद जो केसेस और मौतें थी उनकी संख्या डबल हो गई। द मिनिस्ट्री, उसके बाद द मिनिस्ट्री हैज मेड नो एडिशनल एफर्ट, उसके बावजूद मंत्रालय ने कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं किया टू कंटेन द स्प्रेड। कंटेनमेंट्स यहां पे वैसे कंटेनमेंट शामिल करना होता है, लेकिन यहां कंटेनमेंट्स रिस्ट्रेन करना, नियंत्रित करना, यानी मंत्रालय ने कोई भी अतिरिक्त प्रयास नहीं किया टू कंटेन द स्प्रेड, यानी इस फैलाव अर्थात इस रोग के बढ़ाव को क्या करने के लिए, रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जबकि 20 दिनों के अंदर ही, यानी उसके बाद 20 दिन बाद ही इनकी संख्या जो थी केसेस की और मौतों की वो डबल हो गई थी। चलिए लास्ट पैसेज है, करें इट हैज इशूड अ गाइडेंस, इट यहां पे मिनिस्ट्री के लिए, ठीक है, इट हैज इशूड, इशू मीन्स जारी करना भी होता है और इशू मीन्स संतान भी होते हैं नाउन के रूप में, यहां जारी करने के सेंस में है, करें इट हैज इशूड अ गाइडेंस, इसने गाइडेंस जारी किया रिकमेंडिंग, जिसमें ये सिफारिश की गई थी वैक्सीन्स कि टीके लगाए जाए फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, किनके लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, एंड और डीमिंग देम, ध्यान से देखें, इट हैज इशूड अ गाइडेंस रिकमेंडिंग वैक्सीन फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, तो एग्जाम में यहां पे एंड डीम या कुछ और दे देगा, चूंकि यहां रिकमेंडिंग है और फिर एंड के बाद फिर आप डीमिंग ही जोड़ सकते हैं, डीम नहीं जोड़ सकते क्योंकि कंपैरिजन समान होता है और एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। चलिए फिर से देखते हैं, इट हैज इशूड अ गाइडेंस, यानी इसने गाइडेंस जारी किया रिकमेंडिंग, ये सिफारिश करते हुए वैक्सीन्स फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स, कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, उनको वैक्सीन्स लगाई जाएं, टीके लगाए जाएं, एंड और डीमिंग देम, और डीमिंग देम ये विचार किया गया, माना गया देम कि वो लोग जो हैं डिजायरेबल फॉर दोज, यानी जो वैक्सीन्स हैं ये डिजायरेबल हैं, ये जरूरी हैं या वांछित हैं फॉर दोज, उनके लिए अबव 65 ईयर्स, जो 65 साल से ऊपर के हैं ऑफ एज एंड चिल्ड्रेन, और उन बच्चों के लिए भी जरूरी हैं बिटवीन 6 मंथ्स एंड 8 ईयर्स, जो 6 महीने से 8 वर्ष के बीच के हैं। ध्यान से देख रहे होंगे आप, समझदार हैं, समझते होंगे बिटवीन का प्रयोग है, तो फिर यहां देखिए क्या लगाया गया, एंड लगा दिया गया, ठीक है। चलिए सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक डिजीजेस, यानी ऐसे लोग विद प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक डिजीज, में पहले से कोई पुरानी बीमारी रही हो, हु आर मोस्ट ससेप्टेबल, जो ज्यादा ग्रहणशील हैं, जो ज्यादा शिकार हो सकते हैं टू H1N1, किसके, H1N1 वायरस के, H1N1 कॉम्प्लिकेशन, यानी इससे संबंधित जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसके वो ज्यादा शिकार हो सकते हैं, कौन लोग, विद प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक डिजीज, जिन्हें पहले से कोई पुरानी बीमारी रही हो, अकॉर्डिंग टू द WHO, किसके अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। तो ये जो पीपल हैं, हैव बीन, ऐसे लोग हैव बीन इग्नोर्ड, इन्हें क्या कर दिया गया है, इग्नोर कर दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया। दो, यद्यपि इट्स ओन स्टेटमेंट, इट्स यहां पे आपका WHO के लिए है, WHO के लिए है। दो, यद्यपि इट्स ओन स्टेटमेंट, जबकि WHO का अपना ही वक्तव्य रहा है, रिलीज्ड, जो जारी किया गया था ऑन February 6, 6 फरवरी को, उसमें हैड सेड, ये कहा गया था, मोर डेथ्स वर सीन, कि अधिक मौतें देखी गई, पाई गई इन पीपल, ऐसे लोगों में विद डायबिटीज, जो शुगर के पेशेंट्स थे एंड हाइपरटेंशन और बीपी के पेशेंट्स थे,
उनमें ज्यादा मौतें पाई गईं। इसके बावजूद जो 65 साल से ऊपर के लोग थे और ऐसे लोग जिनको पुरानी बीमारियां थीं, उन्हें इग्नोर कर दिया गया। विद H1N1 बिकमिंग अ सीजनल फ्लू वायरस स्ट्रेन, जो H1N1 है ये धीरे धीरे क्या बनता जा रहा है, मौसमी बुखार का वायरस स्ट्रेन बनता जा रहा है इन इंडिया, भारत में, इवन ड्यूरिंग समर, यहां तक कि गर्मी के दौरान में भी, इवन मीन्स भी, यानी गर्मी के दौरान भी यह एक क्या बनता जा रहा है, सीजनल फ्लू वायरस स्ट्रेन बनता जा रहा है। इट इज एडवाइजेबल, इसलिए ये मतलब सलाह दी जाती, ये सलाह देने की चीज है, दैट कि हेल्थ केयर वर्कर्स, कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं एंड अदर्स, और लोग जो हैं एट रिस्क, जिन्हें खतरे हो सकते हैं, गेट देम सेल्फ वैक्सीनेटेड। देखिए पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग है, गेट फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, गेट देम सेल्फ वैक्सीनेटेड, यानी उन्हें टीकाकरण करा लेना चाहिए, इस सेंस में है। डिस्पाइट द शार्प इंक्रीज इन केस एंड डेथ, डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट द शार्प इंक्रीज इन केसेज एंड डेथ, यानी इन केसेज में डेथ में तेजी, यानी बहुत तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद, द वैक्सीन अपटेक, ये जो वैक्सीन लेना है अर्थात ये जो लेने की क्रिया, उसके उपयोग करने की क्रिया है, हैज बीन लो, वो अपटेक यानी वो उपयोग वैक्सीन का बहुत कम रहा है। बिसाइड्स, इसके अलावा, बिसाइड्स वैक्सीनेशन एंड टीकाकरण के अलावा, देयर नीड्स टू बी ग्रेटर अवेयरनेस, अभी मैं कहा था ना कि टू बी यानी इन्फिनेटिव है, तो देयर के साथ देखिए क्या लग गया, नीड्स लग गया, अगर यहां प्लूरल होता तो फिर देयर नीड हो जाता। तो वैक्सीनेशन के अलावा देयर नीड्स टू बी ग्रेटर अवेयरनेस, यानी और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, सो दैट, ताकि पीपल एडॉप्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स, ताकि लोग पहले से ही मेजर्स यानी उपाय तलाश कर लें, सच एज जैसे कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, यानी वो बार बार अपने हाथ वगैरह धो लें, एंड कफ एटिकेट, और वो ये एटिकेट सीख लें, ये शिष्टाचार सीख लें कफ कि किस तरीके से खांसना है, किस तरीके से खांसी आनी, यानी बहुत होता है ना जैसे नाक वगैरह ढंकते नहीं और खांसते हैं, तो ये एटिकेट सीखना होगा यदि इन रोगों से क्या होना है, बचना है। चलिए ये आपके अब कॉमन एरर्स हैं जो आप देखें, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा, जैसे एग्जाम में आप द नंबर देखेगा, अ नंबर देखेगा, तुरंत आपका सिक्स सेंस आप कहे कि इन्हीं संबंधित एरर्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बट हो सकते हैं। तो द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंजा ए H1N1 केसेस एंड डेथ्स रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया हैव, देखिए ध्यान से, अगर ये नंबर है यहां पे द नंबर, तो हैव कैसे होगा, क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। देयर अपीयर टू बी नो लेटअप विद द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स स्टेबलाइजिंग, देयर अपीयर पढ़ा था आपने, जब टू बी नो लेटअप है, इन्फिनेटिव है, तो अपीयर कैसे होगा प्लूरल, यहां क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा। द नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टेड टिल फरवरी 24 इज नियरली सेम एज दैट रिकॉर्डेड इन द होल ऑफ 2018, ध्यान से देखें, इज नियरली सेम लिखा है, जब आप वही या उसी के सेंस में यूज करते हैं तो सेम नहीं होता है, द सेम होता है, यानी यहां पे एरर है आपके। द एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स आर, ये फिर से मैंने दिया क्योंकि इधर एक्चुअल नंबर है ना, तो नंबर के साथ आर कैसे आएगा, इज हो जाएगा। द IDSP डेटा इज, याद करें डेटा प्लूरल में यूज करते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। द H1N1 वायरस विच हैज caused a pandemic in 2009 has since become a seasonal flu strain globally, ध्यान से देखें, has since वाली क्लास तो आप देख रहे होंगे, present perfect में है आपकी, लेकिन आपने दूसरी वाली क्लास को भी किसमें बना दिया है, present perfect नहीं होगा ना, ये क्लास आपकी किसमें हो जाएगी, past indefinite में होगी आपकी, न कि present perfect में होगी। चलिए नेक्स्ट है आपके, According to the WHO in 2009, the number of laboratory confirmed deaths caused by the pandemic strain were, subject क्या था, the number था ना, तो फिर were कैसे होगा, was हो जाएगा। Despite of, आगे बढ़िए ही नहीं क्योंकि ये error है, तो despite के साथ क्या नहीं लगा सकते हैं आप,
ऑफ नहीं लगा सकते हैं। इट हैज इश्यूड अ गाइडेंस रिकमेंडिंग वैक्सीन्स फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एंड डीम। मैंने कहा था जब रिकमेंडिंग है गाइडेंस के बाद तो एंड के बाद वही फॉर्म आएगी जो यहां है, तो अगर रिकमेंडिंग आपका जिरंड है तो फिर एंड के बाद भी क्या होगा, जिरंड ही आएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, मीन्स आईएनजी फॉर्म ही आएगी, यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है तो यहां डीमिंग हो जाएगा। पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग क्रोनिक डिजीजेस, सही है। हु आर मोस्ट, ये हु पता है किसके लिए, पीपल के लिए। हु आर मोस्ट ससेप्टेबल टू H1N1 कॉम्प्लिकेशंस अकॉर्डिंग टू द WHO हैज। ये हैज किसके लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हैज पीपल के लिए है, तो पीपल अगर लोगों के सेंस में तो हैज कैसे होगा, हैव हो जाएगा। चलिए ये सारा एडिटोरियल है आपका जिसमें आपके वर्ड्स हैं उन्हें जरूर तैयार करिएगा, और ये सारी जो 10 आपके पास ये हैं कॉमन एरर्स हैं इन्हें जरूर तैयार करिएगा। मेरा एक सुझाव है, जो बच्चा कॉमन एरर तैयार कर लेता है उसका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी आपके तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और ये सारा पढ़िएगा, एक एक लाइन देखिए कैसे आप बना लेते हैं, क्योंकि इससे आपको कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में और पिकी वारिस वगैरह में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ओके, गुड नाइट, थैंक यू।